हेलो, माई सेल्फ योगेश गर्ग, फैकल्टी ऑफ अप्लाइड साइंस डिपार्टमेंट. वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल आर पी आई आई टी अकेडमिक्स. इफ़ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल. स्टूडेंट्स, हम लास्ट क्लास में मेटाबॉलिक एक्टिविटी और विटामिन डी पढ़ रहे थे. आज उन्हीं को कंटिन्यू करते आगे हमने यहाँ तक करा था कि विटामिन डी हमारे कहाँ का यूज होता है. अब हम नेक्स्ट स्टेज की आते हैं. जो विटामिन डी होता है वो हमारे जो मैक्रोफेजेस होती है सेल्स, उनमें भी हेल्पफुल होता है, हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है ताकि जो इन्वेडिंग सेल्स हैं उनको किल कर सके. नेक्स्ट आता है, देखो, वेदर इट इज़ मेड इन द स्किन और इनजेस्टेड. कोलेकैल्सिफेरॉल इज़ हाइड्रोक्सीलेटेड इन द लीवर. या ये तो स्किन में हो इंजेस्ट हो, या कोलेकैल्सिफेरॉल क्या होता है वहाँ पर हाइड्रोक्सीलेट हो जाता है लीवर के अंदर. दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द माइक्रोसोमल एंजाइम विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सिलेज. और ये रिएक्शन किससे कैटलाइज होती है? विटामिन डी 25 हाइड्रोक्सिलेज से, विच इज़ प्रोड्यूस बाय हिपेटोसाइट्स. और जो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? हिपेटोसाइट्स सेल में, यानी हिपेटिक सेल्स में. वंस मेड, और एक बार ये बन जाते हैं, द प्रोडक्ट इज रिलीज इन टू द प्लाज्मा. और प्रोडक्ट जो है वो रिलीज हो जाता है प्लाज्मा में, वेयर इट इज़ बाउंड टू एन अल्फा ग्लोबुलिन विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन. और फिर वहाँ पे ये क्या होता है, रिलीज हो गया प्लाज्मा में, बाउंड कर जाता है अल्फा ग्लोबुलिन से विटामिन डी बाइंडिंग प्रोटीन के साथ. कैल्सीडायोल इज ट्रांसपोर्टेड टू द प्रॉक्सिमल डिस्ट्यूबुल्स ऑफ द किडनी. जो कैल्सीडायोल था वो ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ आ जाता है? हमारे किडनी में, वेयर इट इज़ हाइड्रोक्सीलेटेड टू फॉर्म कैल्सीट्रायोल. और फिर वहाँ पर दोबारा क्या होता है, हाइड्रोक्सीलेट हो जाता है और कैल्सीट्रायोल में कन्वर्ट हो जाता है. दिस प्रोडक्ट इज़ द पोटेंट लीगेंड ऑफ द विटामिन डी रिसेप्टर. और यही क्या होता है, एक पोटेंसी होती है इसके पास कि विटामिन डी को एक्सेप्ट कर सके रिसेप्टर, विच मीडिएट्स मोस्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्शन ऑफ द विटामिन. जो वो ज़्यादा फिजियोलॉजिकल एक्शन करवाते हैं हमारे बॉडी में विटामिन डी के. नेक्स्ट आते हैं फंक्शंस ऑफ विटामिन डी. फंक्शंस, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन यही है, ये हमारे क्या करता है, बोन के बोन को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवाता है. देखो, फर्स्ट कैल्शियम बैलेंस, कैल्शियम को बैलेंस करवाता है. सेकंड, सेल डिफरेंशिएशन में हेल्पफुल है. थर्ड, सेल डिफरेंशिएट मतलब करवाता है कि सेल में उनको डिफरेंशिएट करता है किसको क्या काम करना है, हर सेल को उनके फंक्शनिंग प्रोवाइड करवाना. इम्यूनिटी, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग बनाता है कि कोई भी अगर फॉरेन सेल बॉडी में इन्वेड करती है उसको किल करने में हेल्पफुल है. ब्लड प्रेशर रेगुलेशन, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करवाता है. डेवलपमेंट ऑफ बोन एंड टीथ, और हमारे बोन और टीथ के डेवलपमेंट में जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है. तो यहाँ देखो, जो देखो विटामिन डी है, प्रॉम विटामिन डी स्किन में होता है, उससे विटामिन डी बनता है. विटामिन डी फिर कहाँ, लीवर में जाता है. लीवर 25 हाइड्रोक्सिल डी होता है, वो इसको किडनी में कन्वर्ट कर कैल्सीट्रायोल में, वहाँ फिर ये कैल्शियम मसल्स बोन टीथ सारा क्या करता है, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करवा के कहाँ लेता है, मसल्स में, बोन्स में, प्रोस्टेट ग्लैंड. इसी से एक हार्मोन बनता है कैल्सीट्रायोल्स, जो एक प्रो हार्मोन होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से ये करवाता है हमारा, और रेगुलेशन करवाता है हमारे इम्यून फंक्शन को. साथ में सेल ग्रोथ करवाता है, जो कैंसर सेल है उससे प्रिवेंट भी करता है. रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को और इंसुलिन प्रोडक्शन को इनको मेंटेन करके रखता है. और ये मिलता कहाँ से हमें विटामिन डी? सप्लीमेंट्स ले सकते हो, सैल्मन फिश से आ गया, डाइट, जूस, ऑरेंज मिल्क, इन सब से हमें क्या होता है, विटामिन डी मिल सकता है. ठीक है, तो ये हमारे विटामिन डी के फंक्शन भी हो गए.